नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। नवरात्र स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खीर। किसी वक्त मीठा खाने को दिल करे और नवरात्र रखे तो आप बाहर से कुछ मंगा के मीठा खा नहीं सकते हैं, तो आप इस साबूदाने की खीर को एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम साबूदाने की खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। साबूदाना खीर बनाने के लिए हमने जो सामान लिया है वो ये है। मैंने 12 से 13 बादाम लिए हैं जिसको कट कर दिया है। थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है कटा हुआ। 20 से 25 किशमिश लिए हैं। 100 ग्राम चीनी ली है मैंने। 2 चम्मच दूध लिया है जिसमें 8 से 10 केसर की कलियां डाल के मैंने रख दी थी। इसी के साथ मैंने साबूदाना लिया है 100 ग्राम जिसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। और साथ में मैंने लिया है 1 किलो दूध जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आइए देखें हम साबूदाने की खीर कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि दूध को उबालना शुरू हो गया है। अरे देखिए, ये साबूदाना है, इसको मैंने पानी से अलग कर लिया और एक एक दाना इसका खिल गया है। इसको अच्छी तरह से आप धोएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब मैं सारा साबूदाना मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको कम से कम नहीं तो आधा घंटा मैं पकाऊंगी खीर पकने तक। आप देख सकते हैं साबूदाना डालने के बाद इसको उबाला आना शुरू हो गया है। अब मैं इसका जब तक दूध करके आधा नहीं रह जाएगा तब तक मैं इसको पकाऊंगी। आप देख रहे हैं दूध को उबाला आ रहा है अच्छी तरह से। इसी स्टेज में मैं इसके अंदर अब गोला डाल दूंगी, थोड़ा सा सूखा बादाम डाल दूंगी ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और किशमिश डाल दूंगी मैं। अब मैं इसको भी पकने दूंगी। आप देख सकते हैं दूध हमारा काम होना शुरू हो गया है और खीर हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। ये देखिए सर्विस स्पून के किनारे पे ये लगा हुआ है। ये जो दूध इसके किनारों पे जम जाता था पक के, तो वो मैं उसको उतार देती थी और उसको मैं दूध खीर में वापस मिला देती थी। वो भी खीर में मिलाने से खीर का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। अब इस टेस्ट में मैं इसके अंदर डालूंगी केसर वाला दूध। पहले थोड़ा सा डाल के देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और डालूंगी। केसर वाला दूध मैंने जितना डाला था मुझे उतना ही काफ़ी है, और नहीं डालूंगी। और डालूंगी तो खीर हमारी पीलेपन पे आ जाएगी। आप देख सकते हैं खीर हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी चीनी। चीनी पानी छोड़ेगी और उसके बाद जब पक जाएगी तब हमारी खीर बन के तैयार हो जाएगी। पहले मैं थोड़ी सी खीर डालूंगी आधी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो और डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें चीनी। आप देख सकते हैं साबूदाने की खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इतनी ही मैं गाढ़ी रखूंगी, इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करूंगी क्योंकि ठंडे होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। तो अब मैं इसको 10 मिनट रेस्ट कराने के बाद फिर मैं इसको एक बाउल में निकाल के आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। खीर को हमने 10 मिनट रेस्ट करा लिया था, अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी खीर हो गई है। ये देखिए, और पूरी तरह से इसके अंदर मलाई आई है। खीर को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर कुछ कटे हुए बादाम डाल दूंगी। हमारी साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही क्रीमी बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। आप जितना ज़्यादा दूध लेंगे उसको काढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी खीर अच्छी बनेगी। अगर आपको जल्दी और खीर आपको जल्दी बनानी है तो आप एक छोटा पाउडर इसमें मिल्क पाउडर का डाल के इसको बना सकते हैं, तो भी खीर आपकी बहुत ही क्रीमी बनेगी। उम्मीद करती हूँ मेरी बनाई खीर आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी बनाई खीर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।